This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji, kya hal hai aap sabka? Theek hai. Shuru Allah ke naam se jo bada meherban aur nihayat rehm wala hai. Aap sabko SEO experts training ke is 24ve batch ke jo ki ek exclusive batch hai iske lecture number 8 mein khush aamdeed kehta hu aur उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रीवियस 7 लेक्चर्स तक जो डिटेल में सिखाया समझाया वह बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, कुछ सवाल रह गए, तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को लास्ट जो लेक्चर था, यानी कि कल का जो लेक्चर था बेसिकली, उसमें इंस्टेंट हेल्प का मैंने बताया था कि इनमें से एक ऑप्शन इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, लाइक व्हाट्सएप नहीं समझ आ रही, एफबी मैसेंजर इंटीग्रेट करने की नहीं समझ आ रही, आप talk.to ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपने फ्री अकाउंट बनाना है और उसका कोड हमने अपने ई कॉमर्स स्टोर में लगा देना है ताकि लाइव चैट का ऑप्शन एटलीस्ट हमारी वेबसाइट में अनेबल हो जाए। उसके अलावा इम्पोर्टेंट पेजेस में प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस। अबाउट अस में आपने अपने उस स्टोर के बारे में बताना है, व्हाई यू स्टार्टेड दिस ऑन। ठीक है, इस तरह से आपने मेंशन कर देना है, लाइक 500 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना है, 300 वर्ड्स में अपने स्टोर के बारे में बताना जरूरी है ताकि आपका स्टोर जो है वो, हमारा जो स्टोर जो है वो बेसिकली रियल लुकिंग लगे। अच्छा, उसके अलावा कॉन्टेक्ट अस का मैंने आप लोगों को कल WP फॉर्म प्लगइन के जरिए ऐड करने का तरीकाकार समझा दिया था। ये कोई मुश्किल काम है ही नहीं, इसीलिए इसको आपने इजी तरीके से करना है और ये पेजेस ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि कल को फॉर एग्जाम्पल इसकी हम PPC करते हैं, यानी कि पे पर क्लिक कैंपेन चलाते हैं एडवर्ड्स पे, फेसबुक पे, तो ये पेजेस जब होंगे तो वो एड ज़्यादा देर तक रिव्यू पे नहीं जाएगी, वो जल्दी अप्रूव हो जाती है। और वैसे भी जो यूज़र होता है, जब तक वो ये पेजेस किसी स्टोर में नहीं देखता, वो वहाँ से परचेजिंग नहीं करता, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। रिफंड पॉलिसी में आपने मेंशन करना है कि वी हैव 10 डेज। एक्सचेंज पॉलिसी, ठीक है, अगर कोई चीज़ डैमेज है, इसके बारे में मैं आप लोगों को मज़ीद भी जब आपको प्रोडक्ट के कीवर्ड्स दूंगा, यानी कि एक्चुअली प्रोडक्ट दूंगा 150 प्रोडक्ट्स, तब मैं आपको बता दूंगा कि हमने रिफंड पॉलिसी में क्या मेंशन करवाना है, किस तरह से रिफंड करेंगे। अगर कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल GSM की कोई डिवाइस है वो पहले से ही ख़राब है, फिर तो हम लोग डेफिनेटली एक्सचेंज करके देंगे। अगर हमारे पास स्टॉक ख़त्म है तो हम रिफंड कर देंगे, ठीक है, यानी कि इस तरह से ये रिफंड पॉलिसी में मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी में बताना है कि लाइक हम लोग जो आप यूज़र जो है वो हमारी वेबसाइट को अगर यूज़ कर रहा है तो उसको टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक कुकीज़ एक्सेप्ट करेगा। अगर कुकीज़ एक्सेप्ट आप नहीं करते और कुकीज़ का डाटा जो कि एनालिटिक्स, हम जो कोड एनालिटिक्स के जरिए लगा रहे हैं वो जो है वो कलेक्ट करता है, अगर आपको नहीं हमारी प्राइवेसी पॉलिसी एग्री होते तो आप जो हमारी वेबसाइट को छोड़ दो, लीव कर दो। तो इस तरह से आपने अपने जो स्टोर है उसके इम्पोर्टेंट पेजेस इस तरह से ऐड करना होते हैं। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली हमारा जो स्टोर है वो ऑलमोस्ट रेडी है। बाकी कुछ चीज़ें जब स्टोर बन रहा होता है उसमें प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमने देखना होता है कि लाइक होम पेज पे कितनी प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले करनी है, जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी हमने डिस्प्ले करनी है, वो सारा टाइम टू टाइम आप जो है वो सेटिंग उसकी करते जा रहे होते हो। ये था हमारा स्टोर तक का कि हमने स्टोर को रेडी कैसे करना है। ठीक है, स्टोर को हमने रेडी कैसे करना है, अब हम आगे की तरफ चलेंगे।
हमारा जो तो रहेगा है डोमेन भाई सीक्रेट्स डोमेन बाइंग सीक्रेट से क्या मुराद है। डोमेन बाइंग सीक्रेट से मुराद होता है कि जब हमने अपना जो नीच है वो सेलेक्ट कर ली, अपना अपने कीवर्ड्स हमने निकाले, हमने कंपेटिटर एनालिसिस कर लिए, मींस कि अब हम वेबसाइट बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हमने कीवर्ड्स निकाल के रख लिए हैं। अगर हम स्टोर बना रहे हैं तो हमने स्टोर के जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के हमने रख लिए, हमने पूरा प्लान बना लिया, अब हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, हमने अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है। आपने इस चीज को बिठा लेना ज़हन में, डोमेन प्लस होस्टिंग इज इक्वल टू वेबसाइट, दो चीजें मिलके एक वेबसाइट बनाती हैं। ठीक है, होस्टिंग प्लस आप कह सकते हो इसमें प्लस आर्टिकल्स जो पब्लिश करते हैं। ठीक है, ये मिलके एक वेबसाइट कहलाते हैं बेसिकली। ठीक हो गया, तो डोमेन आपने ऐसे बाय नहीं करना होता। सबसे पहले तो आपने डोमेन के टाइप्स को समझना है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। डोमेन टाइप्स ब्रांड डोमेन, ईएमडी डोमेन, ईएमडी ठीक है, ब्रांड डोमेन लाइक ओएलएक्स ये ब्रांड डोमेन्स की एग्जांपल ईएमडी लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सोन हलवा ये ईएमडी एग्जैक्ट मैच डोमेन की एग्जांपल पीएमडी में लाइक बेस्ट हलवा। ठीक है पीएमडी। अच्छा हमने जब मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं एक्चुअली हमने जब गूगल एडसेंस पे काम करना है तो ब्रांड डोमेन जो है वो बाय करना बेस्ट है। ठीक है, इसके लिए आपने यूज करने जो टूल यूज करना है जहां से आपने ब्रांड डोमेन के आइडियाज लेने हैं, लीन डोमेन सर्च डॉट कॉम ब्रांड बुकेट। अब मैं आपको यहां पर ये बताता चलूं कि जब आप गूगल एडसेंस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे और आप इस मेथड को यूज करते हुए ब्रांड डोमेन को फाइंड करके ब्रांड डोमेन पे काम करोगे तो जो डोमेन होगी जस्ट डोमेन की ही इतनी वर्थ होगी कि आप मुझे दुआएं दोगे और आप कहोगे कि सर फिजान ने हमें लेक्चर नंबर 8 में जो डोमेन बाइंग सीक्रेट्स के बारे में बताया था वो एक जो है वो सीक्रेट से कम नहीं था। ठीक है, और उसकी अहमियत का आपको तब एक्चुअली एहसास होगा जब आपका आपका प्रोजेक्ट जब आप सेल करने लगते हो, यानी कि उस पर पहले आपने मेहनत की, उसको कीवर्ड्स को उसके रैंक करवाए। ठीक है, अब आपने उसको सेल करना है फॉर एग्जांपल फ्लिपा पे या किसी के साथ आप डायरेक्टली डील कर रहे हो, जब आपकी डोमेन नेम ही ब्रांड डोमेन होगी। ठीक है, तो उसकी डोमेन की ही अपनी इतनी वर्थ होगी कि आप आज वाला लेक्चर याद करोगे और आप कहोगे कि वाकई में जो ब्रांड डोमेन का आइडिया है वो जबरदस्त है। तो जब भी आपने ब्रांड डोमेन के आइडियाज लेने, आपने यहाँ आके ऐसे कोई भी रैंडमली मैं वर्ड सर्च करवा रहा हूँ तो ये हमें आइडिया देगा कि किस तरह की डोमेन आप को सर्च करवानी चाहिए। ठीक है, डोमेन रजिस्ट्रार्स, डोमेन रजिस्ट्रार्स क्या होते हैं, जहां से हम डोमेन रजिस्टर करवाते हैं। ICANN एक USA की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास डेटाबेस है तमाम डोमेन्स की रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, अच्छा वो उनके पास जो फॉर एग्जाम्पल मैं मुल्तान पाकिस्तान से एक डोमेन रजिस्टर करवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल abc.com। अब पूरी दुनिया में चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई बड़ा इन्वेस्टर हो कोई, ठीक है मियां मंशा हो फॉर एग्जांपल, कोई भी हो, वो रजिस्टर नहीं करवा सकता क्योंकि वो जो मैंने बाय कर ली डोमेन वो पूरी दुनिया में कोई रजिस्टर नहीं करवा सकेगा जितने मर्जी पैसे जो है वो खर्च कर ले, जब तक कि मैं खुद ना दूं किसी को। ठीक है, तो ये जो ICANN कंपनी का मैंने आप लोगों को बताया ये
कंपनी बेसिकली डोमेन्स की रजिस्ट्रेशन का डाटा स्टोर करती है, डाटा रखती है बेसिकली। तो डोमेन रजिस्ट्रार के बैक एंड पे जो एक्चुअली डाटा होता है वो आईकैन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, वो होती है उनके बैक एंड पे, ठीक है। तो हमने डोमेन रजिस्ट्रार बहुत सारे हैं, मगर आपने जब भी डोमेन बाय करनी है इन इन जगहों से करनी है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, नेमचीप, name.com, netfarms.com, name.com, ठीक है। अच्छा, ये डोमेन के रजिस्ट्रार हैं, यानी कि हम यहाँ से डोमेन परचेज करेंगे, बाय करेंगे, खरीदेंगे। मिनिमम डोमेन की एक्सपायरी जो होती है वन ईयर होती है, इससे कम में हम नहीं ले सकते, और मैक्सिमम 10 ईयर्स भी होती है, 3 ईयर्स भी, तो डिपेंड करता है कि रजिस्ट्रार कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अब जो डोमेन की एक्सटेंशन होती हैं, जो बेसिक है वो डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी, डॉट इन्फो। अच्छा, उसके अलावा डॉट, नई एक्सटेंशन में अच्छी जो चल रही है डॉट आयो, जो उसके अलावा डॉट क्लब आ चुकी है, डॉट होस्ट, डॉट एक्स वाई जी, इस तरह की आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कंट्री वाइज एक्सटेंशंस होती हैं, लाइक पाकिस्तान के लिए डॉट कॉम डॉट पीके, डॉट पीके, ठीक है। यूके के लिए डॉट गो डॉट यूके या डॉट यूके। अच्छा, उसके अलावा यूएसए के लिए डॉट कॉम होती है। अच्छा, उसके अलावा कनाडा के लिए डॉट सी ए, इंडिया के लिए डॉट ओ डॉट इन, डॉट इन। कंट्री वाइज एक्सटेंशन होती है, ठीक है। आपने जब भी एसईओ में आपने हमेशा याद रखना है, आपने जब भी डोमेन खरीदनी है आपने डॉट कॉम की डोमेन खरीदनी है, ना डॉट नेट, ना डॉट ओ आर जी, ना डॉट इनफो, ना डॉट आईओ, ना क्लब, ना होस्ट, ना एक्स वाई जी, ना डॉट शॉप, ठीक है। कोई इस तरह की डोमेन आपने नहीं परचेज करनी, जस्ट डॉट कॉम। अच्छा, आपकी अगर नीच ऐसी है कि पाकिस्तान में आपका ज्यादा यूजर है, अदर कंट्रीज में थोड़ा कम है, तो आप डॉट कॉम डॉट पीके या डॉट पीके भी रजिस्टर करवा सकते हो, करवा सकते हो, मगर डॉट कॉम फिर भी बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, आपकी, आपका जो यूजर है, यानी कि आपकी जो नीच है, उसका जो यूजर एक्चुअली बनता है वो आपने गूगल ट्रेंड से चेक कर लिया, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में गूगल ट्रेंड्स का बताया हुआ है। तो आप जो आपका यूजर जिस कंट्री में ज्यादा है वहां की एक्सटेंशन ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा लेनी है, ले सकते हो, बट रिकमेंडेड डॉट कॉम, क्योंकि डॉट कॉम जब से इंटरनेट बना है तब से लेके आज तक और आइंदा भी आने वाले सालों साल डॉट कॉम की जो अहमियत है उसको कोई नहीं ठुकरा सकता। कभी आपने गूगल में टाइप किया हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी, मैं एक एग्जाम्पल, याऊ, ठीक है, याऊ, आपने कभी याऊ डॉट पी के भी ओपन की है, कभी याऊ डॉट को डॉट यूके भी ओपन की है, कभी याऊ याऊ डॉट सी ए भी ओपन की है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं ना, आपको हमेशा आता है याऊ। अच्छा यार, याहू वेबसाइट ओपन कर लो, याहू डॉट कॉम। अच्छा, गूगल ओपन कर लो, गूगल डॉट कॉम, ठीक है। मतलब जो डॉट कॉम है ना वो इंटरनेट की बुनियाद बन चुकी है, वो इंटरनेट पे बेसिक डोमेन है, हर बच्चे को अंडरस्टूड है, बेसिकली जिसे बोलते हैं ना अंडरस्टूड, अंडरस्टूड है कि कोई वेबसाइट जब बगैर एक्सटेंशन के बताई जाएगी दैट इज बेसिकली डॉट कॉम डोमेन, डॉट कॉम डोमेन। तो मैं इसलिए आप लोगों को एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, और एक चीज जो आपको नहीं पता होती, एसईओ में हमेशा यानी कि शॉर्ट डोमेन्स पे काम किया जाता है,
लेंथी डोमेन्स पे काम नहीं किया जाता, ठीक है। तो जितनी ज्यादा छोटा यानी कि छोटी उस डोमेन की जो लेंथ होगी वो कम होगी, उतना यूजर ज्यादा याद रखेगा। जितना यूजर ज्यादा याद रखेगा और टाइप करके आपकी वेबसाइट तक पहुंचेगा, वो एसईओ में ये चीज आपको ज्यादा बेनिफिट देती है कि यूजर टाइप करके आपकी वेबसाइट तक पहुंच रहा है। ये हर बंदे को ये चीज मालूम नहीं होती, बट आपको आज मैं बता रहा हूं। तो आपने जो है जब डोमेन बाय करने लगना, इन चीजों का ध्यान रखना है। और कभी भी ऐसे नहीं करना कि पहले डोमेन खरीद के रख ली और बाद में आपने उसके लिए होस्टिंग परचेज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। कभी आपने ऐसा किया है कि आप घर बनाने लगे हो, आपने प्लॉट भी ना लिया हो और आप पहले ईंटें और सीमेंट, बजरी, रेत, मजदूर इन सबको पहले बिठा लिया हो और बाद में प्लॉट लेने जा रहे हो, कभी आपने ऐसा किया है? जी, कभी आपने ऐसा नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल कोई तुक बनता ही नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन। जी, जस्ट जी अच्छा, जब आपने डोमेन फाइनल कर लिया कि ये डोमेन लेनी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ब्रांड बकेट और लीन डोमेन सर्च पे ब्रांड ब्रांड डोमेन फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो अच्छा नाम कोई फाइंड करना है, जैसे कि अल्ट्रानो, अल्टानो, उल्टानो, अच्छा जी, बेस्टियस, ठीक है, बेस्टिलो, बेस्टिला, bestricks.com, ठीक है। अब ये देखो कितनी महंगी महंगी डोमेन, जस्ट डोमेन नेम सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये बात होती है कि आपको डोमेन जो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आप जो डोमेन बाय करने जा रहे हो वो ब्रांड डोमेन हो, ठीक है, मैक्सुमा,
मैं अच्छा मैं हार्ड नेम चाहिए। मैंने डोमेन बाय की थी बाय स्ट्रीट डॉट कॉम। ठीक है अजानें हो रही हैं, जरा हम जो है पहले अजान सुन लें, एक अजान कंप्लीट सुन लें, उसके बाद जो है दोबारा मैं आपको गाइड करना स्टार्ट करता हूँ। जी जैसे कि अजान हो गई है, अब ये डोमेन फॉर एग्जांपल ये तो मेरे का ऑफर आ रहा है, अगर ये अवेलेबल होती फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको अभी बाय नहीं करना था, ठीक है, बाय इसलिए नहीं करना था, मैं इसको कोई और नाम देता हूँ। ठीक प्रीमियम डोमेन आप देख रहे हो, इतने महीने में प्रीमियम डोमेन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डोमेन लेनी है, मैं ये डोमेन डायरेक्टली ऐड टू कार्ट करके बाय नहीं करूंगा, उसकी वजह बता देता हूँ कि हो सकता है ये डोमेन किसी ने पहले बाय करके काम करके डी इंडेक्स करवा के यानी कि स्पैमिंग करके छोड़ दियो, ठीक है। कैसे मैं चेक करूंगा कि ये डोमेन किसी ने ऐसे किया है, उसके लिए
मैं क्या करूंगा, वे बैक मशीन टूर है, वे बैक मशीन का ये टूल है archive.org/web, इस पे आके चेक कर लूंगा कि आया कि ये डोमेन पहले किसी ने रजिस्टर करवा तो नहीं ली थी। ब्राउज हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूंगा और अगर तो कोई रिकॉर्ड ना आया फिर मैं वो डोमेन रजिस्टर करवा लूंगा। अब ये डोमेन $8.88 पर ईयर की अवेलेबल है, ठीक है, और आप इधर देखो तो ये 2009 में पहली दफा रजिस्टर हुई है, September 22, 2009 और 2010 में ये देखी गई है। उसके बाद इस डोमेन को ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। ऐसी डोमेन जिसको पहले रजिस्टर करवाया गया हो और वो अब अवेलेबल है हमारे पास, तो वो एक सस्पिशियस डोमेन कह सकते हो आप उसको। मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, आपने ऐसी डोमेन बाय नहीं करनी, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि आपको यहाँ से एक आइडिया तो हो जाएगा कि उस डोमेन पे क्या डाटा डाला गया था। ये देखो कि ये रीडायरेक्ट की गई है इस वाली डोमेन पे, तो ये इसकी जो ताकत थी ना वो खत्म कर दी गई है। इसलिए मेरी तरफ से रेकमेंड नहीं है कि ऐसी डोमेन आप परचेज करो जो कि पिछले कुछ सालों में, कुछ साल पहले यानी कि रजिस्टर करवाई गई हो और अब वो अवेलेबल हो। तो अगर मैं आपके सामने मैं डोमेन बाय करके अभी मैं रजिस्टर करवा लेता और मैं इस पे काम करने लग जाता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये उस तरह से रैंक ना करती जिस तरह से रैंकिंग एक डोमेन की, एक वेबसाइट की होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके ऊपर काम करके इसको छोड़ दिया गया है, स्पैमिंग करके इसको फिर ड्रॉप होने के लिए छोड़ दिया गया है। और आज तकरीबन मैं 10 साल बाद इस डोमेन की जो अवेलेबिलिटी है उसको मैं चेक कर रहा हूँ तो डोमेन अवेलेबल है, तो मैं ऐसी डोमेन को हरगिज हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी गलती की जाती है कि ऐसी डोमेन रजिस्टर करवा ली जाती है जिसकी हिस्ट्री ही नहीं चेक की जाती, डोमेन की हिस्ट्री ही नहीं चेक की जाती, ठीक है। तो हिस्ट्री चेक करनी है, जब यहाँ पर आए ना, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये जब तक ये पेज ना आ जाए, हर वेब बैग मशीन हैज नो आर्काइव्ड दैट यूआरएल, क्लिक हियर टू सर्च फॉर ऑल आर्काइव्ड पेजेस अंडर num.com, ठीक है। तो इट मींस कि इनके पास ये डाटा है ही नहीं कुछ। जब डाटा कुछ नहीं है, इस डोमेन को मैं बाय कर सकता हूँ अगर ये अवेलेबल होगी। इट मींस कि पहले आपने नेमचीप पे अपनी मर्जी की, जो आपने एक शॉर्ट डोमेन, ये तो बहुत बड़ा नाम है, शॉर्ट डोमेन आपने, जो ब्रांड डोमेन आपने सर्च करवाई, वो अगर नेमचीप पे अवेलेबल लिखी हुई आ रही थी, आपने उसको वे बैक मशीन में चेक करना है, जब ऐसा डाटा आएगा देन आपने उसको बाय करना है, ठीक है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा और उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। अच्छा, उसके बाद SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहली चीज देखी जाती है वो होती है डोमेन एज। डोमेन एज जितनी ज्यादा पुरानी डोमेन होगी और उस पर डेटा पहले से आ रहा होगा, चलता हुआ आ रहा होगा, उसकी जो अहमियत है, जैसे पुराने चावल की अहमियत होती है उसमें जायका ज्यादा होता है, इसी तरह SEO में जितनी पुरानी डोमेन होती है, डोमेन की जो एक्चुअल में जिसे एज बोला जाता है, जितनी ज्यादा एज होती है उतनी ज्यादा अथॉरिटी वाली वो डोमेन कहलाती है। समझ आ रही है? डोमेन की एज चेक करने के लिए जो हु इज के टूल थे, हु डॉट इज जैसे हो गया, और डोमेन एज चेकर टूल भी आपको मिल जाएंगे, डोमेन एज चेकर टूल, ये आपने अपने कंपेटिटर्स को चेक करना है। फॉर एग्जांपल मेरी नीच है जी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मेरी नीच है जी मेक मनी ऑनलाइन, इसमें मेरे जो टॉप 10 कंपेटिटर्स है ना, जैसे कि आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया है, असाइनमेंट में आपके जो कंपेटिटर्स आ रहे हैं टॉप 10 में forbes.com में, इसको चेक करता हूँ। तो पहला कंपेटिटर है उसका नाम है forbes.com और इसका इनर पोस्ट है, ठीक है, उसकी एज में चेक करूँ 93 में रजिस्टर हुई है,
राज 2000 और 2020 है, और ये 2022 तक के लिए रजिस्टर है, ठीक है। अब मैंने काम करना है फॉर एग्जाम्पल इस कीवर्ड के ऊपर, किसके ऊपर, जो मैंने मेक मनी ऑनलाइन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस नीच पे मैंने काम करना है, कीवर्ड नहीं, मैं नीच की बात करूँ, मैंने इस नीच पे काम करना है, इस नीच के कीवर्ड्स में निकालने के लिए मैंने लिस्ट, मैंने कंपेटिटर्स को अपने देख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे जो कंपेटिटर्स हैं वो तो बहुत पुराने हैं, अब जब पुराने कंपेटिटर्स हैं मैं इनको कैसे हराऊंगा, ये सवाल अगला, ये सवाल आपके जहन में आते हैं। इन इनको हराने के लिए बेसिकली मैं बैक डेट्स में तो नहीं ले सकता, बट मैं ज्यादा अरसे के लिए डोमेन को रजिस्टर करवा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डोमेन की एक्सपायरी होती है 1 ईयर, ठीक है, हम 2 साल के लिए ले लें, 3 साल के लिए ले लें, वो प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। ये बात सबको पता नहीं होती, क्यों कि लोग कहते हैं मैं आज रजिस्टर करवा रहा हूँ डोमेन, साल बाद उसको रिन्यू करवा लूंगा, और हर साल इस तरह ही करते रहते हैं। गूगल सर्च इंजन मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखते हुए आपकी वेबसाइट को, आपकी डोमेन को एक्चुअली अथॉरिटी दे रहा होता है, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग दे रहा होता है, कीवर्ड्स को रैंकिंग दे रहा होता है, वो इस वजह से एक जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप कितने अरसे के लिए बिजनेस करने जा रहे हो। मैंने डोमेन 2020 में रजिस्टर करवाई और 21 में उसकी एक्सपायरी है, तो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो कहेगा कि ये बंदा अपने बिजनेस में सीरियस नहीं है, हो सकता है अगले साल ये डोमेन रजिस्टर रिन्यू ही ना करवाए, तो वो आपको उतनी अहमियत नहीं देगा। मगर मैं एक डोमेन रजिस्टर करवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो गूगल का जो रैंकिंग का एल्गोरिथम है, और वैसे भी एक मैच्योरिटी लेवल यही होती है कि अपने बिजनेस को ज्यादा अरसे के लिए आप रजिस्टर करवाते हो, ताकि आपका सीरियसनेस पता चले कि आप अपने बिजनेस में इतने अरसे तक बैठे रहोगे, ठीक है। तो वो क्योंकि आप देखो जो लोग कामयाब लोग हैं वो पहले से चलते आ रहे हैं और आगे तक उन्होंने प्लान बनाया हुआ कि आगे तक उन्होंने काम करते जाना। कभी आपने सुना हो कि माइक्रोसॉफ्ट कह रही है कि अगले साल हम बंद कर रहे हैं, कभी आपने सुना हो गूगल कह रही है कि हम अगले साल बंद करें, ऐसा नहीं होता। बिजनेस ज्यादा अरसे के लिए स्टार्ट किया जाता है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए करके और उसको छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो डोमेन एज है, ये रैंकिंग में सबसे पहला रैंकिंग का जो फैक्टर है वो ये है कि डोमेन एज। अब हम बैक डेट्स में तो नहीं ले सकते, बट हम अपकमिंग ईयर्स के लिए डोमेन, ज्यादा अरसे के लिए डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, आप जब डोमेन आप रजिस्टर करवाते हो तो चीप डोमेन भी आपको मिल जाती है, लाइक कूपन कोड अप्लाई करके। सबसे ज्यादा आपको जो कूपन कोड मिलेंगे वो गोडैडी के कूपन कोड होंगे, ठीक है। जब हम डोमेन, सस्ती डोमेन हम लेनी है, यानी कि 150-200 पाकिस्तानी की डोमेन लेनी है, तो हम गोडैडी से ले लेते हैं, ठीक है। गोडेडी एक माफिया है डोमेन हत्याने का, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ से आप डोमेन खरीदो, मगर आप यहाँ से सस्ती डोमेन खरीद के उसको आप साल एंड होने से पहले ट्रांसफर कर सकते हो नेम चीप पे, ये एक अच्छा तरीका कार है बेसिकली। ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इयर्स, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए एंड 10 ईयर्स के लिए, ये आप ईयर इसमें ऐड करवा के अपनी डोमेन की अहमियत को बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसके लिए। ठीक है, अच्छा, एक वेबसाइट SMS फॉर smile.com, इसकी आप डोमेन की एक्सपायरी देखोगे,
ये एक ऐसा टूल है जो कि जैसे साइबर क्राइम हो गए, वो जो है वो लोग ये टूल यूज करते हैं, और किसी भी डोमेन की इन्फो लेनी होती है डिटेल में, वो यहाँ से चेक करते हैं। Who is dot domain tools dot com? अच्छा, ये डोमेन रजिस्टर करवाई गई 2006 में। मैं इसको तकरीबन 2008 से देख रहा हूँ, और इसकी जो एक्सपायरी है ना 2027 है, अभी 2020 चल रहा है, यानी कि इसने आने वाले 7 सालों के लिए अपने डोमेन को रिजर्व करवा लिया, बुक करवा लिया। क्यों करवाया? ताकि इसकी जो वेबसाइट है उसकी वर्थ बढ़ जाए। समझ आ रही है बात की? तो ये हर बंदे को, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं ये पता नहीं होते, मगर आप क्योंकि एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप लोगों के लिए ये जो पॉइंट है इनका पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि हमने एसईओ में कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना कि जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो रह जाए। तो ये तो हो गया एक्सपायरी की बात। गोडेडी पे आए, गोडेडी से डोमेन हम रजिस्टर करवा रहे थे। यस का मैंने समझा दिया है कि जरूरी नहीं है कि आप 7 साल 10 साल के लिए लो, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप 1 साल के लिए ना करो, 2 साल के लिए करवा लो, 3 साल के लिए करवा लो, इस तरह। बिल्कुल उमर, ऐसा है कि एक कूपन कोड देने की एक्सटेंशन भी है, वहाँ से मिल जाता है कूपन कोड, हर वेबसाइट के लिए अलग अलग मिल जाता है। हैव अ प्रोमो कोड, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ प्रोमो कोड, हमें फॉर एग्जाम्पल गोडेडी का यहाँ से मिल गया, तो हमने क्योंकि जो पहले डोमेन रजिस्टर करवा चुका होता है ना, उसको गोडेडी का जो कुकीज का जो सेटअप है वो डोमेन सस्ती रजिस्टर नहीं करवाने देगा, यानी कि एक यूजर को एक ही सस्ती डोमेन बाय करना अलाउ है, ठीक है? ये अगर आप डोमेन चेक करो तो ये प्रोमो कोड अभी अप्लाई नहीं करने दे रहा, वरना ये डोमेन 0.99 रुपीज़ की शो होती। जैसे मैंने कूपन कोड लगाया था तो 0.99 की शो होती, क्योंकि मैं ऑलरेडी डोमेन बाय कर चुका हूँ अपने इस लैपटॉप से, तो ये अभी जो है वो नहीं शो करवा रहा। मगर ये जो कूपन कोड अप्लाई किया, ये 99 रुपये पाकिस्तानी में .com की डोमेन हमें मिल जाती। तो ये सस्ती डोमेन खरीदने का ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि आप सस्ती डोमेन कैसे ले सकते हो, मगर स्टिल वही बात कि रजिस्ट्रार रिलायबल होना चाहिए। और ये बात भी आप लोगों ने जहन में रखनी है, जहां से आपने डोमेन खरीदनी है वहां से होस्टिंग नहीं लेनी, जहां से होस्टिंग लेनी है वहां से डोमेन नहीं लेनी, ताकि अगर कल को आपके हाथ में डोमेन नहीं रहती तो होस्टिंग आपके पास पड़ी हो, आप डोमेन रजिस्टर करवा के वो सारा डाटा वहां ट्रांसफर कर लो, और डोमेन आपके पास है फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग नहीं रही, तो आप होस्टिंग नहीं परचेज करके और वे बैक मशीन से डाटा निकाल के और आप दोबारा से अपना सेटअप खड़ा कर सकते हो। मतलब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से मत बाय करो। फॉर एग्जाम्पल आपने गोडेडी से डोमेन ले लिए तो गोडेडी से होस्टिंग मत लो, होस्टिंग आप सेपरेटली
जो है वो एक सेटअप से बाय करो, ठीक है। अच्छा, आप जब डोमेन बाय आप कर लेते हो, और अब मैंने डोमेन ऐड टू कार्ट कर दी, उसके बाद आपको जरूरत होती है कार्ड की। आपने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पेमेंट मेथड्स आपने पूरे करके आने हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैंने एक लेक्चर दिया है पेपॉल पे, आपने उसको देखना है, यूएई का पेपाल या यूके का पेपाल, आपने ये अकाउंट बना लेना है। मेरी दो वीडियोस हो गई मेरे यूट्यूब चैनल पे, एक पहले वाली जो वीडियो थी वो भी आपने वॉच करनी है, और आज वाला लेक्चर जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी यूट्यूब चैनल पे, वो भी वॉच कर लेनी है। पेपाल अकाउंट आपको चाहिए ताकि आप डोमेन परचेज कर सको, होस्टिंग ले सको, क्योंकि एक एसईओ एक्सपर्ट का काम है इंडिविजुअल काम करना, यानी कि आपको किसी को कहना ना पड़े कि भाई मुझे डोमेन रजिस्टर करवा दो, आप इंडिपेंडेंट हो के काम कर रहे हो, ये ध्यान रखना आपने। अच्छा, बैंक अकाउंट आपका इनमें से किसी भी एक बैंक में हो तो जबरदस्त है, निजान बैंक, ठीक है। इनमें से किसी भी एक बैंक में अकाउंट आपने ओपन करवा लेना है, ताकि इसी का कार्ड आप ऑनलाइन यूज कर सको, डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हो। ब्लॉक चेन डॉट कॉम पे आप जाके अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर सकते हो, आपको बीटीसी वैलेट मिल जाएगा। यानी कि हमने बेसिकली डोमेन्स बाय करनी होती है, होस्टिंग लेनी होती है, ऑनलाइन टूल बाय करने होते हैं, तो हमें पेमेंट जो है वो मेथड्स की जरूरत होती है। तो आपके पास, बीइंग एन एसईओ एक्सपर्ट, आपके पास ये सारे टूल, एक पेपाल का अकाउंट, एक अच्छे बैंक का अकाउंट, और उसी का डेबिट कार्ड, ठीक है, बीटीसी वैलेट, ठीक है, ये आपके पास होना जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा पायोनियर डॉट कॉम पे आपका अकाउंट हो, आज ही आपने पायोनियर का अप्लाई कर देना है, मास्टर कार्ड आपके पास आ जाएगा, यूएसए का बैंक अकाउंट आपके पास आ जाएगा, आप उस अकाउंट को यूज कर सकते हो पेमेंट मंगवाने के लिए, और जो कार्ड होगा उसको आप यूज कर सकते हो डोमेन्स एंड होस्टिंग परचेज करने के लिए। तो ये आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ये आपके पास ये जो पेमेंट मेथड्स हैं ये आपके पास होने चाहिए, ताकि आपके लिए आगे परेशानी ना हो डोमेन और होस्टिंग परचेज करते वक्त। अच्छा, इसके बाद हम तो हमने व्यू कार्ड कर लिया, ऐड टू कार्ड कर लिया, अब हम चेकआउट करने जा रहे हैं। अब ये हमें हमारा अकाउंट लॉग इन करवाएगा, आपने फ्री अकाउंट बना लेना है नेमचीप डॉट कॉम पे। मैंने अकाउंट, इसमें मैंने साइन इन कर लिया, व्यू कार्ड किया, कंफर्म ऑर्डर, और आगे ये पेमेंट मेथड मुझसे मांगेगा। मैंने अपने कार्ड इसमें ऑलरेडी स्टोर किए हैं, मैं अपने नेम चीप के अकाउंट में मैं पेमेंट जो है वो कटवा के और इसको डोमेन को बाय कर लूंगा यहाँ से। ये मैं मुख्तलिफ जो है वो कर सकता हूँ, लाइक ये जो नेम चीप है उसमें ईयर बाई ईयर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 2 ईयर, 3 ईयर, 5, 4 ईयर, 5, ये नहीं जरूरी नहीं है कि 1 साल, फिर 3 साल, फिर 5, फिर 10, इस तरह नहीं, आप कोई भी एक एक करके ईयर बढ़ा सकते हो। तो ये बड़ा
अच्छा एक तरीकाकार है, ज्यादा अरसे के लिए डोमेन हम रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, जब हमने डोमेन रजिस्टर करवा लेनी है तो डोमेन हमें यहाँ पर डैशबोर्ड में नजर आएगी। जस्ट अ मिनट, मैं इसको ओपन कर लूँ डैशबोर्ड को। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, होस्टिंग ट्रांसफर करने से रैंकिंग पे फर्क पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि स्पीड देखी जाती है कि स्पीड क्या थी, पहले क्या थी, अब क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ बशारत, आपने ये चीज देखनी है कि आप काम किस पे करने जा रहे हो, लाइक एडसेंस पे करने जा रहे हो या ई कॉमर्स स्टोर बनाने जा रहे हो, वो आपने देखना है ना, ठीक है? या आप आगे जैसे क्लिक बैंक का सिखाऊंगा, फिर अमेजोन का सिखाऊंगा, आप क्या करने जा रहे हो, आपने उस हिसाब से डोमेन लेनी है। वो मैंने आज के लेक्चर में बताया डोमेन के टाइम। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल डोमेन के टाइम में मजीद बताता चलूँ कि जैसे ई एम डी डोमेन हमें तब बाय करें जैसे हाई कंपटीशन वाली नीच हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्लिक बैंक, ठीक है, या ऑन प्रोडक्ट और सर्विस, तब आप ई एम डी डोमेन ले सकते हो, ठीक है? और एडसेंस और अमेज़न के लिए आप जो है वो ब्रांड डोमेन पे फोकस रखोगे, ठीक है? ये समझना है आपने। और इवन ई कॉम स्टोर भी ई एम डी डोमेन पे आप ले सकते हो, मगर रिकमेंडेड है कि आपको ब्रांड डोमेन। अगर एक प्रोडक्ट डालनी है फिर तो आप ई एम डी डोमेन ले लो, ठीक है? अगर आपने एक प्रोडक्ट नहीं डालनी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स डालनी है, फिर आपके लिए रिकमेंडेड है कि ब्रांड डोमेन आप बाय करो, क्योंकि उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स इजीली ऐड हो जाएंगे। अच्छा, डोमेन हम जब परचेज कर लेते हैं तो हमें यहाँ डोमेन लिस्ट में डोमेन नजर आने लग जाएगी, हमें मैनेज पे क्लिक करना होता है। और उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपने समझनी है। उसके बाद नेक्स्ट वीक होगा, उसमें आपको होस्टिंग के बारे में एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें देखना होती हैं और कैसे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रैंकिंग का जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पहला तो डोमेन की एज मैंने बता दिया है, ठीक है? दूसरा जो अहम रैंकिंग का जो फैक्टर होता है वो स्पीड, वेबसाइट स्पीड होती है, ठीक है? उसके बारे में आप लोगों को गाइड करूंगा अपकमिंग लेक्चर में। अभी ये जो है, जैसे ये डोमेन है, इसका नेम सर्वर हमने अपडेट करने, पहले ये नेम चीप बेसिक डीएनएस आ रहा होगा, ठीक है? आपने यहाँ आना है कस्टम डीएनएस में, जहाँ जहाँ पे आपने NS1 .uphost .io और NS2 .uphost करके आपने टिक मार कर, ये आपको नेम सर्वर मिलते हैं, मिलेंगे बेसिकली, जहाँ से आप होस्टिंग परचेज करोगे। ये हम डोमेन को कनेक्ट करेंगे अपनी होस्टिंग के साथ। वो कनेक्ट कैसे करना है, और नेम सर्वर जो हमें होस्टिंग प्रोवाइड करेगी, हमने होस्टिंग के जो नेम सर्वर होंगे, ये जैसे कस्टम डीएनएस है, यहाँ पर जो नेम सर्वर थे ये हमें होस्टिंग वालों ने प्रोवाइड किए, वो हमने डोमेन के अंदर आके पुट कर दिए। उसके बाद डोमेन से, डोमेन पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको एज इट इज़ पर छोड़ देना। ये टिक मार्क पे क्लिक करके इसको आपने 24-48 घंटे के लिए छोड़ देना है। डोमेन जो है वो होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जब कनेक्ट हो जाएगी देन होस्टिंग पे ही हम सारा काम करेंगे, लाइक फाइल्स अपलोड करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, सब काम हम होस्टिंग पे करेंगे, ठीक है? ये है डोमेन बाइंग सीक्रेट्स। इसको आपने आज के लेक्चर को समझना है, उसके मुताबिक आपने स्ट्रेटेजी, उसके मुताबिक आपने प्लानिंग करनी है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।